हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेवल एजेंट के बारे में कि ट्रेवल एजेंट कैसे बने, इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और ट्रेवल एजेंट बनने के फायदे के बारे में। तो शुरू करते हैं ट्रेवल एजेंट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ ट्रेवल एजेंट। ट्रेवल एजेंट बनना एक तरह का बिजनेसमैन बनने जैसा ही है, यानी आप अगर ट्रेवल एजेंट बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किसी कंपनी के साथ कुछ दिन काम करना होगा ताकि आप उसके साथ तालमेल बिठाकर नई नई चीजों को सीख पाएं। यदि आप किसी फेमस कंपनी में काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम करने के दौरान आधा से ज्यादा पैसा वह कंपनी ही देती है। ट्रेवल एजेंट बनने की प्रक्रिया। अगर आप ट्रेवल एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पे फोकस करनी होगी। ये आपको हेल्प करता है एक अच्छा और जानकार ट्रेवल एजेंट बनने में। फर्स्ट पॉइंट, अपनी एजुकेशन पूरी करें। अगर आप चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा ट्रेवल एजेंट बने तो इसके लिए आप अपना 12th कंप्लीट कर लीजिए। इससे इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करें। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा हुनर है जो हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी से बात करते हो फोन पे या ईमेल पे, तो उसको अच्छा लगना चाहिए, तब वो खुद आपको खोजेगा और एक अच्छा कस्टमर बन जाएगा। थर्ड पॉइंट, रिसर्च ट्रिप प्लानिंग। दोस्तों, इसके बाद आपको ट्रिप प्लानिंग पे रिसर्च पे ध्यान देना है, यानी कि आपको पता होगा कि हर कोई घूमना चाहता है और अक्सर लोगों को ट्रिप प्लानिंग के बारे में पता नहीं होता, तब आप उसको बता सकते हैं। इससे आपका इनकम भी अच्छा होगा और आपके पास लोग सबसे ज्यादा आएंगे। फोर्थ पॉइंट, ट्रेवल इंडस्ट्री में ज्ञान बढ़ाएं। इसके बाद आपको ट्रेवल इंडस्ट्री में ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि ट्रेवल इंडस्ट्री में बहुत तरह का काम होता है। साथ ही साथ इसमें आपको यह ध्यान देना है कि यह इंडस्ट्री कैसे काम करती है, यानी कि इसमें ट्रेवल इंडस्ट्री में पूरी ज्ञान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेवल एजेंट बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इस बारे में। दोस्तों, लोगों को लगता है कि ट्रेवल एजेंट बनना बहुत आसान बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ट्रेवल एजेंट बनने के लिए आपके पास बहुत तरह का स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पढ़ा लिखा इंसान ही आगे बढ़ सकता है। अगर आप ट्रेवल एजेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास इन सभी चीजों की योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहला है, सबसे पहले आपका 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। दूसरा है, आपके पास कम से कम 25,000 रुपए तक का बजट होना चाहिए जो कि आप खर्च कर सकें। तीसरा पॉइंट, आपके पास कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ट्रेवल एजेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पांचवा, ग्राहकों से बातचीत करने का तजुर्बा और तरीका आना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेवल एजेंट बनने के क्या क्या फायदे हैं। हम सभी को मालूम है कि हम लोग उसी काम को करते हैं या करना पसंद करते हैं जिसमें अच्छा खासा फायदा हो, यानी कि पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम बनना चाह रहे हैं उस फील्ड में बेनिफिट्स है या नहीं। तो उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेवल एजेंट बनने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जिसमें से पहला फायदा है, अगर आप ट्रेवल एजेंट बन जाते हैं तो आप अनगिनत ट्रेवल प्रोडक्शन बिना एक्स्ट्रा दाम के आपको मिलेंगे। दूसरा, आपका खुद का ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल होगा। तीसरा, आपका खुद का नाम और लोगों के साथ आपका पोर्टल चलेगा। चौथा, अगर आप ट्रेवल एजेंट की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। पाँचवा, आपके जितने भी वेबसाइट होंगे वह सारे के सारे क्लाउड सर्वर के ऊपर ही होगी और आपको जब चाहे तब आपको आधुनिक चीज की सुविधा भी दी जाएगी। छठवा, इसके अंतर्गत आपको सैलरी के अलावा अच्छी खासी कमीशन भी मिल जाती है। सातवा, इससे आप किसी भी टूर के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं, चाहे वह ट्रेन हो, बस हो या प्लेन हो। आठवा, अगर आप अपनी खुद की टूर पैकेजिंग कर रहे हैं तब तो आपको इसमें अच्छे खासे छूट भी मिल जाते हैं। नौवा, इसके अंतर्गत आप मोबाइल रिचार्ज, GTA या फिर कोई भी बिल पे कर सकते हैं और उसके बदले आपको कमीशन भी मिलेंगे। दसवा, बहुत सारे बैंकों में आप ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ट्रेवल एजेंट के बारे में पूरी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वह मिल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।